दोस्तों, हिंदुस्तान में कागज के नोट सबसे पहले 18वीं शताब्दी में जारी किए गए थे। बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जनरल बैंक ऑफ बंगाल और बंगाल बैंक ने पहली बार कागज के नोट जारी कर भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में एक नए युग का आगाज किया। भारत की करेंसी को रुपया कहा गया। भारत में करेंसी के रूप में नोट और सिक्के चलते हैं। 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के जारी हैं, जबकि 10, 50, 100, 200, 500 और 2000 रुपए के नोट मौजूद हैं। इन्हीं को बाजार में क्रय विक्रय के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आप अपने इसी रुपए के बारे में कितना जानते हैं? रुपए के नोट कैसे और कहां छपते हैं? क्या है हमारी इस करेंसी का पूरा इतिहास? जानेंगे ऐसे ही कई सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। नमस्कार और स्वागत है आपका द मिस्टिका लैंड पर एक बार फिर। पहले डालते हैं रुपए के संक्षिप्त इतिहास पर एक नजर। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के लिए पहला नोट साल 1862 में ब्रिटिश सरकार ने यूके की एक कंपनी से छपवाया था। साल 1920 तक ब्रिटिश सरकार भारत के नोट ब्रिटेन में ही छापा करती थी, लेकिन साल 1926 में ब्रिटिश सरकार ने महाराष्ट्र के नासिक में पहली प्रिंटिंग प्रेस शुरू की, जिसने नोट छापने का काम किया और फिर यहीं पर 100, 1000 और 10,000 रुपए के नोट छपने लगे। हालांकि आबादी को देखते हुए अभी भी काफी नोट ब्रिटेन से ही मंगवाए जाते हैं। इसके बाद साल 1947 के बाद भी ये नोट नासिक में ही छपते रहे, जिसके बाद साल 1975 में भारत की दूसरी प्रिंटिंग प्रेस मध्य प्रदेश के देवास में खोली गई। पर अभी भी 2 प्रिंटिंग प्रेस आबादी के हिसाब से कम थी, इसीलिए साल 1947 में पहली बार भारतीय सरकार ने बढ़ती आबादी के कारण अमेरिका, कनाडा और यूरोप से करेंसी नोट मंगवाना शुरू किया। इसके बाद साल 1999 में मैसूर में और 2000 में पश्चिम बंगाल के सलबोनी में प्रिंटिंग प्रेस खोली गई, जहां अब भी भारतीय नोटों की छपाई होती है। आज भी भारत के नोट केवल 4 ही जगहों पर छपते हैं, नासिक, सलबोनी, मैसूर और मध्य प्रदेश के देवास में, जबकि भारतीय सिक्के इंडियन गवर्नमेंट की टकसालों में छापे जाते हैं, जिसकी शाखाएं मुंबई, नोएडा, कोलकाता और हैदराबाद में हैं। इन सिक्कों की भी एक विशेषता है, हर सिक्के पर एक निशान होता है, जिसे देखकर आप ये पता लगा सकते हैं कि ये कहां छपा होगा। अगर सिक्के में छपी तारीख के नीचे एक टूटा हुआ डायमंड नजर आए तो ये निशान बताता है कि ये सिक्का हैदराबाद में बना है। नोएडा मिंट के सिक्कों पर जहां छपाई का वर्ष अंकित होता है, उसके ठीक नीचे एक छोटा डॉट होता है। इसी तरह मुंबई के सिक्कों पर एक साबुत डायमंड बना होता है और कोलकाता के सिक्कों में साल के नीचे कोई निशान नहीं होता। बात करें नोटों की, तो यहाँ देवास में 10, 50 और 500 के नोट छापे जाते हैं, तो वहीं मैसूर में 2000 के नोट छपते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि अकेले देवास में एक साल में 265 करोड़ नोट छपते हैं। रिजर्व बैंक के अनुसार कुल मिलाकर भारत हर साल 2000 करोड़ करेंसी नोट छापता है और इन्हें छापने की 40% लागत कागज और स्याही के आयात में ही जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नोट तैयार करने के लिए कॉटन से बने कागज और विशिष्ट तरह की स्याही का इस्तेमाल किया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय नोटों में लगने वाली स्याही को स्पेशली स्विट्जरलैंड की कंपनी सिक्पा से आयात किया जाता है। आपको बता दें कि यही स्विस कंपनी भारत के अलावा कई और भी बड़े देशों को स्याही एक्सपोर्ट करती है। भारतीय नोट जिस कागज से बनते हैं, उनमें से अधिकांश कागज भारत में नहीं बनता, और ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत में केवल एक ही पेपर मिल है, जो होशंगाबाद में है। ये मिल भारतीय नोटों और स्टैंप के लिए जरूरी पेपर का एक हिस्सा बनाती है। इसके अलावा भारतीय करेंसी के लिए अधिकतर कागज जर्मनी, यूके और जापान से आता है, जो नोट बनने में लगने वाले कुल कागज का 80% होता है। विदेश या होशंगाबाद से आई पेपर शीट एक खास तरह की मशीन साइमंटन में डाली जाती है, फिर एक दूसरी मशीन जिसे इंटरव्यू कहते हैं, उससे कलर किया जाता है, यानी कि शीट पर नोट छप जाते हैं। एक शीट में करीब 32 से 48 नोट होते हैं। बैंक नोट की संख्या चमकीली स्याही से मुद्रित होती है, फिर बैंक नोट में चमकीले रेशे डाले जाते हैं, जो अल्ट्रावायलेट लाइट में देखे जा सकते हैं। इसके बाद कॉटन के रेशे वाले एक वाटरमार्क पेपर पर नोट मुद्रित किया जाता है। इसके बाद सही नोटों पर नंबर लिखा जाता है। नंबर डालने के बाद एक एक नोट को चेक किया जाता है। जो नोट खराब हो जाते हैं, उन्हें बैंक वापस जमा कर लेता है। बैंक उन नोटों को मुख्य कार्यालय में भेज देता है, वहां उनकी जांच होती है और उनकी जगह नए नोटों को छाप दिया जाता है। फिर छपे हुए नोटों को आरबीआई देश में मौजूद अपने 18 केंद्रों के जरिए अलग अलग बैंकों में डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब ये तो हमने जान लिया कि नोट छपते कैसे हैं। आइए अब जानते हैं कि इन नोट्स को छापने में खर्चा कितना आता है। एक आरटीआई के मुताबिक हर नोट को बनाने में अलग अलग लागत आती है। जैसे 10 रुपए के नोट की लागत आती है 1.1 रुपए और लगभग इतनी ही लागत आती है 50 रुपए के नोट की। 100 रुपए का नोट छपता है 1.51 रुपए में, तो वहीं 500 रुपए के नोट की लागत आती है 2.57 रुपए और 2000 का नोट, जो सबसे महंगा है, 4.18 रुपए में बनकर तैयार होता है। रिजर्व बैंक के अनुसार
भारत हर साल 2000 करेंसी नोट छापता है। हैरानी की बात यह है कि भारत में हर साल 5 मिलियन नोट चलन से बाहर हो जाते हैं, जिनका कुल वजन 4500 टन के बराबर होता है। वहीं सोचने की बात यह है कि हमें नोट छापने के लिए जितनी स्याही और कागज की जरूरत पड़ती है, उसका उत्पादन हम खुद क्यों नहीं कर पाते और क्यों विदेशी कंपनियों से हमें ये चीजें आयात करनी पड़ती हैं? क्या हमें किसी ज्यादा ड्यूरेबल करेंसी नोट की तरफ बढ़ना चाहिए, या कम से कम पैसा छापने के लिए जो पैसा हम खर्च कर रहे हैं उसे कम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें द मिस्टिका लैंड यूट्यूब चैनल और लाइक करें हमारा फेसबुक पेज भी ऐसी सभी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।